नमस्कार, मैं हूं चिराग सुखीजा और आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में सनराइजर्स हैदराबाद कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी थी। एसआरएच अपने 14 मुकाबलों में सिर्फ 6 में ही जीत दर्ज कर पाई थी। पॉइंट्स टेबल में भी हैदराबाद 8वें स्थान पर रही थी। शायद यही कारण है कि अब टीम में बड़ा बदलाव किया गया है। टीम के हेड कोच टॉम मूडी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। उनकी जगह टीम के हेड कोच के रूप में वेस्टइंडीज़ के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज ब्रायन लारा को टीम में ये जिम्मेदारी दी गई है। सनराइजर्स हैदराबाद के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी गई है। सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने इस ट्वीट में लिखा है कि हमारे साथ टॉम मूडी का साथ यहीं तक ख़त्म हो रहा है। एसआरएच के लिए दी गई सेवाओं के लिए हम टॉम का धन्यवाद करते हैं। उनके साथ हैदराबाद का सफ़र बेहद खास रहा है। हम उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएँ देते हैं। इसके बाद अगले ही ट्वीट में सनराइजर्स हैदराबाद ने ब्रायन लारा को आने वाले सीजन के लिए हेड कोच के रूप में चुने जाने की जानकारी दी। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी टॉम मूडी 2013 में सनराइजर्स हैदराबाद के कोच बनाए गए थे। उन्होंने पहले लगातार 6 साल टीम के कोच के रूप में सेवाएं दी। इस दौरान टीम 5 बार प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई की और 1 बार चैंपियन भी बनी। इसके बाद 2020 में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेवल बेलिस को टीम का हेड कोच बनाया गया था। हालांकि बाद में फिर से टॉम मूडी को ये जिम्मेदारी दे दी गई थी। आपको बताते चलें कि हैदराबाद के खिलाड़ियों की ब्रायन लारा के साथ अच्छी बॉन्डिंग है। ब्रायन इससे पहले टीम के बल्लेबाजी कोच हैं और अब उन्हें टीम का हेड कोच बनाया गया है। इसके अलावा श्रीलंका के पूर्व स्पिनर मुथैया मुरलीधरन भी हेड कोच बनने की इस रेस में शामिल थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ब्रायन लारा के कोच बनाए जाने को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखते रहिए NN Sports।